हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया एक बाउल। बाउल में ऐड करेंगे एक मुट्ठी चना दाल, एक मुट्ठी मसूर दाल और एक मुट्ठी मैंने अरहर और मूंग दाल ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से फूलने दें। तब तक इधर आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच टुकड़ा अदरक का कद्दूकस कर लिया है। कुछ मैंने प्याज काट लिया है, 2 प्याज मैंने बारीक काटा है, थोड़ा प्याज ज़्यादा रखेंगे। 2 टमाटर, आलू को पतले साइज में कटेंगे, मिर्ची को भी एकदम बारीक साइज में कटेंगे, लहसुन की कलियाँ चॉप्ड कर लेंगे, 1 लाल मिर्ची ले लेंगे। इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चना दाल अच्छे से सोख हो चुका है। इसे अच्छे से वॉश कर लें, आप एक जगह इसे रख दें। इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने लिया है नॉर्मल चावल, डेली खाने वाला यह चावल है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं आपके पास जो है। इस चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। चावल मैंने 1 और आधा कप लिया है। अच्छे से चावल को वॉश कर ले और सोक कर कर रख दें उसे। एक कुकर लिया है, कुकर को मैंने एकदम हॉट गर्म किया। इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हींग, 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 1 सूखी लाल मिर्च और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन की कलियाँ 10 मैंने ऐड किया है, लहसुन की कलियाँ भी बारीक कटी हुई, और 1 चम्मच भरकर मैंने ऐड किया है कद्दूकस किया हुआ अदरक, इसे भी ऐड कर देंगे। 2 प्याज को मैंने बड़े बड़े साइज में प्याज थे उसे भी मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिया है। प्याज जब तक रेड ब्राउन ना हो जाए तब तक इन्हें भूनते रहें। इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स प्याज रेड ब्राउन हो चुका है। आधे प्याज को मैंने एक बाउल में निकाल कर रख लिया है। इस प्याज को हम लोग गार्निशिंग करने में यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इधर मैंने लिया है 2 चॉप्ड कटी हुई आलू, 2 टमाटर मैंने बारीक कट कर ऐड किया है, चना दाल जो मैंने भिंगो कर रखा था उसे भी ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, 1 टीस्पून MDH चिकन मसाला, और इन सभी को अच्छे से ब्राउन होने तक भुने। 10 मिनट तक भुनने के बाद आप देख सकते हैं कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और हमारे मसाले भी भुन चुके हैं। देन इसमें सूख किए हुए चावल ऐड कर देंगे, जो भिंगा कर मैंने चावल रखा था। चावल को भी अच्छे 10 मिनट तक भुने और बीच बीच में से चलाते भी रहें। इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चावल अच्छे से भुन चुका है। देन इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला और 5 से 6 कप मैंने पानी ऐड किया है। देन मैंने ऐड किया है बहुत सारा धनिया पत्ता और इन सभी को थोड़ा सा एक बार मिक्स कर लीजिए और 1 सीटी आपको लगाना है, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं जिस प्याज को मैंने गार्निशिंग करने के लिए रखा है उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च और उसे मिक्स कर कर रख लें। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुका है प्याज ये। चलिए फ्रेंड्स इधर कुकर ने सीटी 1 मार दिया है, देख सकते हैं खीटी कितना खिला खिला बना है। देन इसमें मैंने ऐड किया है गार्निशिंग करने के लिए जो मैंने प्याज रखा है उसे एक कर कर ऐड कर देंगे और थोड़े देर के लिए कुकर को बंद कर देंगे, जिससे प्याज का फ्लेवर खिचड़ी में अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा और एक अलग ही टेस्ट देगा खिचड़ी। बहुत ही लजीज ये खिचड़ी बना है, इस रेसिपी को आप अवश्य ट्राई करें और एकदम मसालेदार ये खिचड़ी है। इसके सामने चिकन भी फेल है। एक बार अब इस रेसिपी को अवश्य ट्राई करें। प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको मैंने दही के साथ सर्व किया है और कुछ मैंने चरौरी लिया था, चिप्स लिया है और इन सभी के साथ मिक्स कर खाइए और फैमिली के साथ इंजॉय करें। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर इट।